नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाखी अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको जो राहु और केतु ग्रह से उत्पन्न होने वाले जो खराब योग है वो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बुध ग्रह के साथ अगर राहु केतु आते हैं तो कौन सा योग तैयार होता है। दर्शकों, इसे जड़त्व योग कहते हैं। कोई कोई लोग उसे, कोई ज्योतिषकार उसे मंद योग के नाम से पहचाने जाते। दर्शकों, जैसे कि बुध ग्रह ये वाणी का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, ये कुमार अवस्था होती है। ये ग्रह के साथ अगर राहु ग्रह की नहीं तो केतु ग्रह अगर साथ में बैठता है, केतु आपको मालूम है धोखे का कारक, निराशा का कारक, निगेटिव तत्वों का कारक, और ये केतु राहु केतु अगर बुध ग्रह के साथ अगर कुंडली में आते हैं तो वहाँ पे जड़त्व योग तैयार होता है। दर्शकों, हर भाव में इस योग का प्रभाव अलग अलग होता है, लेकिन दर्शकों को देखना चाहिए जड़त्व योग में कौन सा ग्रह कारक है, बुध कारक है या मारक है। उसके साथ साथ राहु केतु को भी देखना चाहिए कि एक शत्रु ग्रह में बैठे है या मित्र ग्रह में बैठे, यानी कारक है या मारक है। उसके साथ साथ दर्शकों डिग्री भी देखना चाहिए, अगर बुध ग्रह 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, अगर राहु ग्रह 29-30 डिग्री का है तो दोनों में युति ना नहीं के बराबर है। लेकिन डिग्री में ये भी देखना चाहिए कि बलाबल कितना है। अगर दोनों में युति है लेकिन बुध से ज़्यादा राहु की डिग्री है तो ये योग सबसे घातक माना जाता है। अगर राहु से ज़्यादा अगर बुध ग्रह की डिग्री है तो वो थोड़ा बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन दर्शकों, हर भाव में उसका प्रभाव अलग अलग पड़ता है। अगर प्रथम भाव में अगर कन्या राशि है और कन्या राशि में अगर ये जड़त्व योग तैयार होता है, यानी कि बुध और राहु केतु के साथ युति होती है, दर्शकों ये योग जो हम बोलते हैं ना ये खराब योग है, तो ये खराब योग नहीं होके ये अच्छा योग माना जाता है। यानी कि बुध अपने उच्च राशि में आ जाता है, बुध ये अपने कन्या राशि में, नहीं तो फिर मिथुन राशि में बुध उच्च का माना जाता है, अपने स्वराशि में आने के कारण बुध पावरफुल हो जाता है और राहु और केतु का भी बल उसे मिल जाता है। इसका कारण ये कि ये एक प्रकार का राजयोग भी माना जाता है। दर्शकों, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि तृतीय भाव में अगर ये खराब योग आता है बुध और राहु का, तो उसके वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, उसकी पर्सनैलिटी, इसमें पूरा इफेक्ट पड़ता है। पंचम भाव में अगर ये योग आता है तो उसके एजुकेशन में दिक्कतें आती है, उसके संतानों में नहीं जमती है, बच्चों में मनमुटाव होता है, बच्चों के विचार और उसके विचार में तफावत हो जाती है, ये योग आने के कारण। चतुर्थ भाव में अगर ये योग आता है तो माता में स्वास्थ्य का प्रॉब्लम दिखाई देता है। बुध और केतु, बुध राहु अगर चतुर्थ भाव में अगर एक साथ आते हैं तो माता में कोई शारीरिक बीमारी, हमेशा घर में माता को बार बार बीमारी होना और उसका स्वास्थ्य ठीक न रहना, ये सब इसी के कारण, ये योग के कारण देखा जाता है। षष्ठम भाव में अगर ये योग आता है तो दर्शकों नौकरी में, करियर में दिक्कतें आती हैं। सप्तम भाव में अगर ये योग आता है, जड़त्व योग, तो पति पत्नी में तान तनाव बढ़ता है, फिर उसके साथ साथ पार्टनर से भी झगड़ा हो जाता है, दोनों में शादी टूटने का भी योग निर्माण होता है। लेकिन दर्शकों फिर भी देखना चाहिए अच्छे ज्योतिषकार के माध्यम से, कुंडली एक बार आपकी चेक करनी चाहिए कि अगर ये ऐसे योग आपके कुंडली में है तो ये आपको त्रासदायक है या लाभदायक है, घातक है या फायदा देने वाले हैं, वो देख के ही मालूम पड़ता है कि अगर राहु और केतु की डिग्री कितनी है, बलाबल कितना है, उच्च राशि में है, कारक है, मारक है, ये सब देखने के बाद ही उसका प्रेडिक्शन करना चाहिए। दर्शकों, अगर भाग्य स्थान में अगर ये योग आता है तो भाग्योदय जल्दी नहीं होता है, यानी कि आदमी की जो प्रगति होनी चाहिए एजुकेशन लेने के बाद भी, पूरा जॉब लेने, तो जो उसको भाग्य लाभता, भाग्योदय नहीं होता है उसका, फिर भाग्योदय लेट होता है। उसके साथ साथ अगर दशम भाव में
अगर ये योग आता है तो दशम भाव में यानी कि अपना कर्म स्थान होता है, जहाँ भी वो काम करता है, जॉब करता है, उसमें जो जो लोग हैं उनके उनके साथ उनका न मिलना, दोनों में शत्रुता होती है, मन मुटाव होता है, मन दुख की बातें होती है, ये सब देखना चाहिए कुंडली के अंदर कि ये योग कौन से भाव में आता है। अगर ये योग हमारे कुंडली में है तो दर्शकों को उसका उपाय क्या करना चाहिए? दर्शकों को उपाय उसका दो तीन पद्धति से उपाय आप कर सकते हैं। अगर बुध कमजोर है, बुध अगर आपका कमजोर होता है राहु और केतु के कारण, तो आप बुध ग्रह के देवता जो गणपति को माना जाता है, तो गणपति की उपासना भक्ति जप करना चाहिए। आपको अथर्व शीर्ष का पठन करना चाहिए, नहीं तो फिर अष्टविनायक स्तोत्र का पठन करना चाहिए। प्रणम्य शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायक भक्ता वास स्मरणितम आयु कामार्थ सिद्धये। ये मंत्रों का, ये अष्टविनायक स्तोत्र का मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हैं। अथर्व शीर्ष भी आप पठन कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये सब संस्कृत की बातें हैं तो आपको छोटा सा मंत्र चाहिए, तो ओम गम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप भी करेंगे कम से कम 3 माला डेली, तो भी आपका ये प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। दर्शकों और भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, राहु और केतु के कारण बुध ग्रह कमजोर अगर होता है तो राहु और केतु का भी आप जाप कर सकते हो। राहु का जाप है ओम भ्राम भ्रीम भ्रम सह राहवे नमः, दूसरा भी एक जाप है ओम राम के राहवे नमः, ये मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, कम से कम 3 माला डेली करनी चाहिए। केतु का भी मंत्र है ओम केम केतवे नमः। दर्शकों ये राहु केतु का जाप अगर आप करते हैं, हनुमान जी की उपासना किया तो भी इसका प्रभाव कम हो जाता है। दर्शकों ये सभी प्रकार की सटीक जानकारी मैंने आपको दी है, इसे जड़त्व योग कहते हैं। दर्शकों निवेदन खाली इतना है, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको कुंडली के बारे में और भी सटीक जानकारी चाहिए आपकी खुद की कुंडली के बारे में, तो आप मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हो, फिर आप व्हाट्सएप से आप मेरे को कुंडली, वैसे किसी किसी को कुंडली चाहिए बाय पोस्ट कुरियर, ये कुंडली भी आपको पूरी जानकारी के साथ आपको कुरियर की जाएगी। दर्शकों आज जो मैंने आपको जड़त्व योग के बारे में जानकारी दी है, ऐसे बहुत सारे राहु और केतु के माध्यम से योग तैयार होते हैं। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।